जोमैटो के दो सेगमेंट्स हैं, एक है B2C और एक है B2B। B2C में होता है फूड डिलीवरी होती है और डाइनिंग आउट होता है, और जोमैटो प्रो होता है। जोमैटो प्रो में ये होता है कि जिन लोगों के पास इनका मेंबरशिप होती है वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर डिस्काउंट पर खाना खा सकते हैं। फूड डिलीवरी में आपको पता ही है कि घर बैठे उनको खाना मिल जाता है, और डाइनिंग आउट में ये होता है कि आप घर बैठे किसी भी रेस्टोरेंट में अपनी डाइनिंग बुक करवा सकते हैं। दूसरा सेगमेंट ये है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। उसमें ये होता है हाइपर प्योर होता है, जिसमें जो जोमैटो कंपनी है ये दूसरी रेस्टोरेंट्स को खाने का सामान मुहैया करती है और 100% क्वालिटी इंश्योर करती है कि इनके पास क्वालिटी का सामान होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जहाँ से बात खाना पकता है उनको सामान की ज़रूरत होती है, तो ये उनको सामान भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे वीडियो में जोमैटो को लेकर पाकिस्तानियों के विचार जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जोमैटो की शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई है, जिसका आज की तारीख में 5 ट्रिलियन रुपए वैल्यू निकली है। जोमैटो की शुरुआत 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने की थी। जोमैटो की सर्विस अब दुनिया के 24 देशों में प्रदान की जा रही है। जोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फूड डिलीवरी बन गई है। आगे भारतीय कंपनी जोमैटो के बारे में कुछ पाकिस्तानियों के विचार जानेंगे। पाकिस्तान में वैसे तो फूड पांडा और चीते जैसी फूड डिलीवरी कंपनी चल रही हैं, मगर पाकिस्तानी इन कंपनियों से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं। तो चलिए आगे देखें। क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन, अच्छा हम जोमैटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है उस पर बात कर रहे हैं। ये दुनिया में 5वें नंबर पर आ रही है और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और ये अब देखा जाए, पहले एक इनिशियली स्टार्टअप लिया था एक इंडिविजुअल लेवल पर, ये फूडी बे का इसका नाम था, सिर्फ रेस्टोरेंट्स का रिव्यूज़ लेती थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इतनी तरक्की कर लिया कि ये दुनिया की 5वें नंबर पर आ रही है। क्या कहना है इसके बारे में? अच्छी बात है कि मतलब जल्दी से फूड आपके घर तक पहुंच जाता है जब भूख लगी हो, स्पेशली जब किचन में जाने का दिल नहीं हो तो जल्दी से खाना आपको मिल जाता है। तो अच्छी बात है ऐसी कंपनीज जो अच्छे से टाइमली खाना जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। और इसमें साथ में ये भी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में ये है कि कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जो टाइमली आपको खाना प्रोवाइड कर सकें जब आपका दिल नहीं हो। हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्टलाइज हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप काम से वापस आओ तो आपको फटाफट खाना चाहिए होता है, और लेकिन वो टाइम से पहुँचता नहीं, 2-2 घंटे लग जाते हैं वेट करने में। खाना पहुँचे तो जो ऑर्डर किया होता है वो नहीं होता, तो फिर काफ़ी इसके हवाले से प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये जोमैटो मल्टी नेशनल कंपनी है, मोर देन 23 कंट्रीज में ये इसके फुटप्रिंट्स हैं, 10,000 सिटीज़ में ऑपरेशनल है, इसके कैटर्स हैं। क्या कहना है इसके बारे में कि पाकिस्तान में होना चाहिए? डेफिनेटली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत टाइमली आपको फूड प्रोवाइड कर सकती है घर पे बैठे हुए और अच्छा क्वालिटी फूड होगा, तो डेफिनेटली हम तो चाहेंगे पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इंडिया की कंपनी है। वो पाक इंडिया इख्तलाफात होंगे, फिर उस वजह से नहीं आ पा रही होंगी चीज़ें। लोग फिर इस तरीके से थोड़ा पर्सनल ले जाते हैं कुछ चीज़ों को कि ये चीज़ें ऐसी हैं या वैसी हैं, या इंडियन फूड होगा या वैसा होगा, पाकिस्तान का थोड़ा इशू बन जाता है। कुछ इंडियन फूड्स पाकिस्तान में भी अब बनाए जा रहे हैं। हाँ, लोग लाइक तो करते हैं, लेकिन असल में हमें अपने दिल में नफ़रतें नहीं ना रखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए अगर उन्होंने वो ये कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, तो अब हम लोग उन पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो एक नेशन हो के अगर हम ये सोचें तो इन चीज़ों से हम निकल सकते हैं, खानों को मोहब्बतें बढ़ा सकते हैं, ये जो नफ़रतें हैं ये मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से होना चाहिए कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इंडिया वालों को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान वाले जैसा वो समझते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, और हम भी उनको नहीं मानते। जब हम उनकी मूवीज़ देख सकते हैं तो हम उनके खाने भी खाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो इस तरीके से हमारे साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव रखें। बस। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हमजा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। अच्छा, हम ना फूड डिलीवरी कंपनी है जोमैटो, जो दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ रही है, और ये इंडिया की एक कंपनी है। तो मीचुआन एक चाइना की कंपनी है, और कहा जा रहा है कि ये चाइना को भी टक्कर देगा, इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहेंगे? कंपटीशन है, इट्स गुड कि आ रहा है, अच्छी बात है, आना चाहिए। इसी तरह कंपटीशन जब इंक्रीज़ करते हो तो मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है आपकी, और कंज्यूमर्स के लिए भी फ़ायदा होता है। तो ये इंडिया की कंपनी है, ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और मोर देन 23 कंट्रीज़ में ऑपरेशनल है, इसके फुटप्रिंट्स हैं, 10,000 सिटीज़ में ये काम कर रही है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ठीक है, इट डजेंट मैटर कि किस जगह ओरिजिन है, अगर आपके मुल्क को उससे फ़ायदा हो रहा है, आपके लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, तो चाहे वो दुनिया में कहीं भी बिलोंग, क्योंकि कहीं भी से भी इसका ओरिजिन है, इट्स गुड कि वो आ रही है, अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो व्हाई नॉट। तो आपका क्या कहना है, जोमैटो को पाकिस्तान में भी आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, अगर आपका उससे फ़ायदा होगा तो क्यों नहीं आना चाहिए, ज़रूर। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड है, मल्टी नेशनल कंपनी है, तो पाकिस्तानी कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, कोई भी नया ऐप या कोई कंपनी ने आना हो तो आई थिंक उसको NOC वगैरह मिलते में काफ़ी इशू क्रिएट होता है। आई थिंक बिजनेस, ईज़ ऑफ बिजनेस अभी हमें मज़ीद इंप्रूव करना है, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जब एक कंपनी आती है तो बेसिकली वो अपना कैसे कहते हैं डोमिनेट हो जाती है इन द मार्केट, यू नो,
तो किसी और कंपटीशन को नहीं आने देना चाहती, ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ का। ठीक है, तो अगर हम बात करें फूड जोमेटो की, तो जोमेटो मतलब उन्होंने एक इंडिविजुअल लेवल पर एक काम स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ने किसी ने हेल्प नहीं किया था, उन्होंने खुद से ये काम स्टार्ट किया था और अब ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। क्या कहेंगे इसके बारे में, पाकिस्तान में इस तरह के कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता, इस तरह के स्टार्टअप्स क्यों नहीं हो रहे? नहीं, वैसी बात नहीं है, पाकिस्तान में अब काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। आप इवन आप इंस्टाग्राम या फिर कोई सोशल मीडिया खोल के पेज देख लें तो देर इज़ लाइक मैनी पीपल हु आर डूइंग देयर स्मॉल बिजनेसेस। उनको ठीक है, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को भी बूस्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक देर लाइक न्यू जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, देर बहुत ज़्यादा हैं वो इस वक्त, देर ट्राइंग टू कम अप। तो आई थिंक इस आई विल कॉन्ट्रडिक्ट विद दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पर नहीं है, जहाँ यहाँ पर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अब बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योर्स न्यू बिजनेस का ट्रेंड पाकिस्तान में। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आप? मेरा नाम अब्दुल्ला। सॉरी, अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं जी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया मैंने। अच्छा, तो आप यंगस्टर हैं और हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनको फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, तो कभी आपने घर बैठे, क्योंकि लोगों को बाहर जाना भी नहीं पसंद, घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर दिया? जी, जब हम हॉस्टल्स में थे तब तो ऑनलाइन ही मंगवाते थे। कहाँ से मंगवाते? फूड पांडा हो गया, फूड पांडा से मोस्टली। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है जी। अच्छा, अभी आपको लेट डिलीवरी नहीं मिली वहाँ? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ अभी तक। कभी ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हुआ? नहीं, मोस्टली नहीं हुआ। आप तो बड़े लकी हैं। अच्छा, हम बात करें जोमेटो की। जोमेटो एक इंडिया की फूड डिलीवरी कंपनी है जो कि दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ रही है और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और ये मोर देन 23 कंट्रीज़ में ऑपरेशनल है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया में ये फैसिलिटेट कर रही है और 5वें नंबर पर आ रही है? तो बहुत अच्छी बात है जी, इधर भी होना चाहिए, इधर भी ऑपरेट कर रही है ये। नहीं, यहाँ पर नहीं है, इधर भी होनी चाहिए फिर। तो आपको सेंसर बोर्ड को अलाउ करना चाहिए? बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। तो मतलब आप कहते हैं कि इंडियन कंपनी को यहाँ पर भी अलाउ करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें इंडियन खाने मिले या और भी कहीं भी कहीं से भी कुछ भी, इसमें कोई इशू नहीं, बिल्कुल अलाउ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सही हो गया, तो आप उनकी इस बात पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर ये कंपनी स्टार्ट की थी, पहले इसका नाम था फूडी बे, उन्होंने बस रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ लेने के लिए इसको स्टार्ट किया था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करती गई और अब ये दुनिया में 5वें नंबर पर आ रही है, तो पाकिस्तान में कोई इस तरह से काम क्यों नहीं कर रहा, स्टार्टअप क्यों नहीं ले रहे कोई भी? होना तो चाहिए इस तरह, क्योंकि लोगों को जाहिर सी बात है फैसिलिटेट करना चाहिए इस चीज़ में, तो मेरे ख्याल में तो होना चाहिए पाकिस्तान में। क्यों नहीं हो रहा ये पूछ रही हूँ मैं, मुझे क्या पता क्यों।